एक दिन राजा रहुगण को उपदेश करते हैं। उपदेश बड़ा अद्भुत है, कहो तो दो मिनट में समझा दूं, समझाएं? चलो बताओ, शरीर और आत्मा ये दो हैं कि एक है? शरीर और आत्मा ये दो वस्तु हैं, दो तत्व हैं कि एक है? जोर से, ये एक है कि अलग अलग है? शरीर कैसा है? मोबाइल की तरह। समझना, हम सरल ढंग से समझा रहे हैं आपको ताकि समझ में आए, कठिन ढंग से समझाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। शरीर और आत्मा दो हैं, जैसे मोबाइल और सिम कार्ड। मोबाइल और सिम अलग अलग होती है, लेकिन है दोनों एक दूसरे के पूरक। बोलो हाँ। उसी तरह शरीर है मोबाइल की तरह और आत्मा है सिम की तरह। अच्छा, मोबाइल में एक चीज और होती है, बताओ क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बैटरी छोड़कर। बैटरी तो है ही, और बैटरी तो आपके अंदर भी है, भोजन पचाती है अग्नि। मोबाइल में एक सबसे उपयोगी चीज क्या होती है? हाँ, मेमोरी कार्ड। क्योंकि मोबाइल होगा और उसमें कुछ सेव नहीं कर पाएंगे जब तक कुछ में स्पेस नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी, हाँ या ना? तो मोबाइल में मोबाइल सिम और मेमोरी कार्ड, जो वीडियो बनेगी फोटो खींचेगी वो जाके सेव कहाँ होगी? उस मेमोरी में। आजकल मोबाइल के अंदर ही है, पर जब आप पुराना मोबाइल छोड़ते हो नया लेते हो तो डेटा पूरा उससे इसमें डाल लेते हो, तो वो मेमोरी के द्वारा सेव रहता है और आता जाता। चलो अब बताओ, तीन चीजें आ गई, शरीर आत्मा, तीसरा बतावा मैया। ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, जाओ 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 भागो। बताओ, शरीर क्या है? मोबाइल की तरह। आत्मा क्या है? सिम कार्ड की तरह। और मेमोरी क्या है? जोर से, मेमोरी है आपका मन, मेमोरी है आपका मन। तो अब ध्यान से सुनो, मोबाइल बदल गया, मोबाइल, जोर से, मोबाइल बदल गया, परंतु मेमोरी नहीं बदली और सिम नहीं बदली। तो शरीर बदल गया पर आपकी आत्मा और आपका मन नहीं बदला। इसलिए कबीर जी कहते, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जब आदमी मरता है तो शरीर चिता पर जल जाता है, सूक्ष्म शरीर। मन का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर, वही सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकलकर और उसे यमदूत पकड़कर ले जाते हैं और वही स्वर्ग और नरक में अपना हिसाब किताब देता है। जो आपने पुण्य किया, जो आपने पाप किया, वो भोगता कौन है? शरीर भोगता है, आत्मा भोगती है, या मन भोगता है? जोर से, कौन? शरीर तो यहीं जल गया, आत्मा कुछ भोगती नहीं है, बचा मन। मन मतलब सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर होते हैं भाई? मैया, मैया आपके कितने शरीर हैं? एक। आपके कितने शरीर हैं? एक। मैया आपके कितने शरीर हैं? पहली बार कथा सुन रही हो इससे मतलब पता चल रहा। शरीर कितने होते हैं भैया, बताओ कितने शरीर? तीन शरीर होते हैं। कितने शरीर? एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। कारण शरीर वो होता है जिस कारण आपको स्त्री या पुरुष या हाथी या कुत्ते का शरीर मिला, कारण शरीर, जिस कारण। तो कारण तो छोड़ दो, से दो शरीर है। अब देखो, मैं दोनों शरीरों को बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। मैया
ध्यान से सुनो मेरी माँ। एक शरीर वो होता है जो बिस्तर पर सोया होता है, और एक शरीर वो होता है जिससे आप लोग सपना देख रहे होते हैं। आपने सपना देखा कभी? तो एक शरीर तो आपका बिस्तर में था, फिर जो स्वप्न देख रहा था वो कौन था? वो भी तो आप थे ना। और आपको याद भी है कि आज मैं स्वप्न में वहां गया या वहां गई, ये देखा। तो जो स्वप्न में आपका शरीर था वो शरीर था कि नहीं? जोर से, था आपका, था ना? जागने के बाद क्या बोलते हो, मैंने सपना देखा। तो एक शरीर तो बिस्तर पर था, पर दूसरा जो स्वप्न को देखा वो कौन था? कौन था? वही है सूक्ष्म शरीर। और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़कर ले जाते हैं। वही सूक्ष्म शरीर सुख और दुख का भोगता होता है, वही स्वर्ग वही नरक जाता है। और जब बैकुंठ जाता है पाप पुण्य से मुक्त होकर, तब वहां उसे दिव्य शरीर प्रदान किया जाता है। जिस शरीर को ना भूख लगे ना प्यास, ना बुढ़ापा आए ना कोई चिक चिक। भरत जी के दिव्य ज्ञान से राजा रघुगण का अज्ञान मिटा। तो आप लोग जो भी कर्म भोगते हैं वो आपका सुख दुख आपके पाप पुण्य से मिलता है। जैसे जब आप मरते हैं तो यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़कर ले जाकर यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज जी हिसाब करते हैं आपके पापों का और आपके पुण्यों का। आपके पाप को अलग किया जाता है, आपके पुण्य को अलग किया जाता। अच्छा जब बताओ, आपका पाप और पुण्य जब अलग होगा तो आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? मैया आप बताओ, आप बताओ, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? जोर से भैया, आप लोगों के पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? यमराज जब वहां पर पाप पुण्य अलग करते हैं तो किसी के पुण्य ज्यादा, किसी के पाप ज्यादा। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं एक जरा सी बात। माना कि किसी के 100 ग्राम पुण्य निकले और 5 किलो पाप निकले, तो जिसका पाप ज्यादा निकलता है यमराज उसे दंड देते हैं। क्या दंड देंगे? बोले 84 लाख योनियों में भटकाते हैं उसे। नाली का कीड़ा से लेकर हाथी तक की 84 लाख योनिया, ये जो 84 लाख योनिया हैं, ये तुम्हारे पापों का दंड है। वो 5 किलो पाप जो तुमने किया उसे भोगने के लिए ये 84 लाख योनिया है। फिर जब पूरे पाप समाप्त हो जाते हैं, कुछ शेष रह जाते हैं, तब यमराज जी कहते हैं अब जो तुमने पुण्य किया है उस पुण्य के बदले जाओ, तुम्हें एक मौका और दे रहे हैं, मनुष्य का शरीर दे रहे हैं। ये जो मनुष्य का शरीर है ये 84 लाख योनियों के बाद उस 100 ग्राम जो पुण्य तुमने किया था, 100 ग्राम 50 ग्राम उस पुण्य से मिला। इसलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े पुण्य से ये मानव का शरीर मिलता है, और ये शरीर पाकर अब अच्छे कर्म करना ताकि आप मोक्ष को प्राप्त कर लो, वरना आप जन्म मृत्यु के चक्र में करोड़ों बार से घूम रहे हो। मैया आपका कितने बार जन्म हो चुका है? नहीं पता? करोड़ों बार आप किसी की मां बन चुकी हो, करोड़ों बार आप किसी के पिता बन चुकी हो। आप पुरुष भी कई बार बन चुकी हो, स्त्री भी कई बार, कुत्ता बिल्ली हाथी चमगादड़ सब बन चुकी हो, तब जाके सनावत में यहां बैठी हो। 84 लाख चक्कर पार कर लिए आप लोगों ने, तब जाकर के ये मनुष्य का शरीर मिला। अब अच्छे कर्म करना साहब, ताकि ये 84 का चक्कर मिटाने के लिए, ये 84 का चक्कर मिटाने के लिए ही भगवान ये मानव का शरीर देते हैं। इसलिए शरीर को भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, अच्छे कर्मों में लगाओ, अच्छे कामों में, तब जाकर मोक्ष का अधिकारी बनोगे और ये जन्म मृत्यु छूटेगा, वरना ये आपका पिंड ना छोड़ेगा।